ये सुबह के टाइम की रिकॉर्डिंग है, जब अनंत सो रहा था मैं उसको सिला रही थी अपने पेट पे। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे वो सोते वक्त, इसलिए मैंने थोड़ी सी उसकी वीडियो है जो बना ली। इसके बाद मेरा शाम का रूटीन शुरू होगा। सो आज सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए सुबह जो मैंने जब जी साहब का पाठ करती हूँ और वो मैं भी शाम को कर रही हूँ साहब के साथ, और मैंने आप लोगों को ये बात शेयर इसलिए करनी ज़रूरी समझी क्योंकि मेरा मानना हर किसी को वाहिगुरु का नाम लेना चाहिए, उनका थैंक्स करना चाहिए जो भी उन्होंने अपने लिए किया है ना, हमको दे रहे हैं जो भी है उसके लिए हमें वारी होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास है, जो हमारे पास है वो उन चीज़ों के लिए भी तरसते हैं। सो इसलिए मैंने ये बात आप लोगों से शेयर करनी ज़रूरी समझी। और हेलो हेलो, हाय मेरा बच्चा, देखो देखो मेरा बच्चा वाई कर रहा है, देखो देखो कितना प्यारा बच्चा मेरा, ये देखो फोन लवर, फोन पे लगे रहते हैं सारा दिन। और ये देखो मेरा बच्चा ना प्राइम के बीच में खड़ा हो जाता है। कैसे हो आप सब? ये देखो मेरा बच्चा अनंत सिंह, ये देखो बोलता सारा दिन मुझे गोदी में उठा के रखो। और ये देखो हाली भी सिखो, ये बहुत ज्यादा शरारती बच्चा। हाय से हाय से हाय, हाय बोलो, कैसे हो? कैसे हो आप सब? आप सब ये देखो, अभी थोड़ा थोड़ा इसने बोलना स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं बोलती। और आज मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी आज दिन में, क्योंकि दो दिन से ना तो सोया नहीं रात को, और जब ये सोता नहीं फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। हाय बोलो, हाय बोलो पापा, बोलो पापा पापा पापा, अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। कहाँ पर है पापा? पापा कहाँ? पापा बाय कर दो, बाय 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 कर दो पापा। अभी हरली और उसके पापा ना दूध लेने जा रहे हैं, और मैं अनंत को लेके थोड़ा सा घूम रही हूँ क्योंकि इसको इस टाइम ना अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखो इसको ऐसा ना मुझे भी लेके जाए, देखो उधर देख रहा है ना, देख रहा है मुझे। बातें तो बहुत ज़्यादा करनी है आप लोगों से, लेकिन अभी ना मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती कैमरे के सामने, थोड़ा सा ना नर्वस हो जाती हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे है ना मैं ब्लॉग्स बनाती जाऊँगी तब मैं आप लोगों से बात किया करूँगी, कोशिश करूँगी बातें करने की। ये देखो मुझे बोल रहा है बाहर लेके जाओ, बाय कर रहा, देखो बाय 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 अनंत, बाय बाय बेटा बाय अनंत, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। जे देखो हम बाहर आ गए कूड़ा डालने के लिए, इस टाइम कूड़े वाले आते हैं हमारी गली में। ये देखो आंटी भी कूड़ा डालने के लिए खड़ी, ये छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन से वापस जा रहे हैं अपने अपने घर को।
ये हमारी स्ट्रीट है जहाँ पर हम रहते हैं, ये हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा जहाँ पर ग्रीनरी है, मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर देखो न्यू हाउस बन रहा है इसके साथ, बिल्कुल न्यू। देखो कितना वाइट वाइट लग रहा है ना, इन लोगों ने जो बोआ ना इसकी तराई की है, मतलब भी इसको ईंटों को गीला किया जैसे ही बोलते हैं, वो ना मोटर वाले पानी से किया इन्होंने, नहर वाले पानी से नहीं किया, इसलिए ऐसा। ये देखो पूरा लेने आ गए, ये देखो अंकल जी है ना जो खाया तो उन्होंने काफ़ी, लेकिन इनके पापा के ना ये दोस्त हैं इनके पापा से काफ़ी बनती है इनकी। ये देखो ना तो मेरा बच्चा ना बोल रहा है मैं फोन ना काट दूंगा, वीडियो नहीं बनने दूंगा बोल रहा है। हेलो अनंत, अनंत पापा से पापा पापा, मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया, अभी इसके पापा ना दूध लेके आएंगे, दूध गर्म कर दूंगी और उसके बाद बस खाना बनाना होगा, मतलब रोटी बनानी होगी। ये देखो मैंने क्या बनाया, ये देखो मैंने चने बनाए थे आज सुबह, वही हम अभी खा लेंगे और सुबह कोई और कुछ बनाऊंगी मैं। ये देखो बर्तन वगैरह सब साफ हुए पड़े हैं और मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, इंजॉय भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं अनंत को भी खिला रही हूँ। मैं भी ब्लॉगिंग करना क्यों शुरू, मैंने क्यों शुरू किया ब्लॉगिंग करना, मैंने ज़िंदगी में आपको मैंने बताया ही था, इनकी परवरिश भी करनी होती है। हमारी ना इनके पापा की लैब है, अब वो लैब पे जाते हैं, बाद में मुझे बच्चों को भी संभालना होता है, हरलीप को भी स्कूल में भेजना होता है, उसको होमवर्क भी करवाना होता है और साथ साथ में चाहती हूँ मैं ब्लॉगिंग करूँ, है ना, थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन है लाइफ में। सोच रही हूँ अगर मेरा ध्यान इधर लगेगा ब्लॉग की तरफ लगेगा तो मेरी टेंशन है जो थोड़ी सी रिलीफ हो जाएगी, क्योंकि अगर बंदा थोड़ा सा काम साथ में कोई और करता रहता है तो उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। और इस तरह से क्योंकि मेरे मम्मा डैडी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है कि उसके साथ मैं टेंशन की बात करूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ अटैच होती हूँ तो आपके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करूँगी, क्या है लाइफ में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, और किन हालातों में अभी हूँ मैं, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पर फिलहाल अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट लाइक व्यूज़ दें प्लीज़, ताकि मेरा चैनल है थोड़ा है ना मोनेटाइज तक पहुंच जाए और उसके बाद मैं अपने काम पे अच्छे से फोकस कर सकूं। ये देखो शरारतें कर रहा है, बोल रहा है मैं गिरूंगा अभी बिल्कुल नहीं गिरने दूंगी मैं अपने बच्चे को। ये देखो आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ। ओ वाह, हाय मेरा बच्चा, ये देखो मेरे पास आती है ना जी, ऐसे शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करने लगी हूँ, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग है जो भी जितना मैं कर रही हूँ पसंद आएगा,
सो प्लीज मुझे अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं आगे से अच्छे अच्छे ब्लॉग कर बना के आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो अभी मैं अपने बच्चे को टाइम दे रही हूँ, इसको खिला रही हूँ। सो बाय, टेक केयर।